हेलो राइडर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं चेतन पाटिल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल काकाजी द क्रेजी राइडर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150 से रिगार्डिंग। अगर आप होंडा यूनिकॉर्न 150 सीसी की बाइक लेना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ उस बाइक के कुछ फायदे और नुकसान। नुकसान काफी कम है, इसके डिसएडवांटेज काफी कम है, लेकिन हाँ जो है वो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस है। तो आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इस बाइक के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडवांटेज अगर मैं इस बाइक का बोलूं तो होंडा की बाइक है और ऑलमोस्ट सभी होंडा की बाइक्स में आपको काफी स्मूथ इंजन मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। बाकी बाइकों के मुकाबले अगर इसका पिकअप देखा जाए तो काफी अच्छा है, स्मूथ है और इंस्टेंट पिकअप है, तो ये भी आपके लिए इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। सीटिंग पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो राइडर के लिए काफी कंफर्टेबल सीट है, लंबा सीट है, इसे दो या तीन या चार जन आराम से बैठ के कहीं भी लेके जा सकती है ये बाइक, तो ये भी इसका एक अच्छा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं राइडर की बात करूं तो राइडर भी काफी अच्छे से यहाँ पे उसके लिए भी काफी जो कंफर्टेबल सीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। पिलियन के लिए भी इसकी सीटिंग पोजीशन काफी कंफर्टेबल है, जो कि अगर आप लंबे समय तक गाड़ी चला रहे हो, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो वहां पे आपको थकान महसूस होने के चांसेस काफी कम है। 150 सीसी की बाइक होने के बावजूद आपको ये 50-55 तक का जो माइलेज है वो प्रोवाइड करा देती है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिट है, जो कि आपके जेब के लिए थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसका जो टॉप स्पीड है वो 100-110 तक है, और 110 तक जाने के बाद भी इसकी ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छी है। जो रियर में है आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, फिर भी ये बाइक काफी अच्छी कंट्रोलिंग पावर रखती है अपने आप में। और अगर लॉन्ग राइड में जा रहे हो आप, रास्ते चाहे कैसे भी हो, तो भी ये बाइक आपको अच्छे से सस्टेन कर लेती है और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छी है। बाकी बाइकों के मुकाबले अगर इसके मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो मेंटेनेंस प्राइस काफी कम है। पहली बात तो लो मेंटेनेंस बाइक के नाम से ही इसे जाना जाता है, तो इसका मेंटेनेंस जो है और इसके जो पार्ट्स है वो बहुत जगह जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ता है। इसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस प्राइस है वो काफी कम है, बस आपको टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करते रहना है, जो कि आपको ये कभी प्रॉब्लम ना देगी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास कोई भी बाइक है 150 सीसी के ऊपर की अगर बाइक है तो आपको हमेशा एक 3,000 से 3,500 के बीच में ये ऑयल चेंज कर देना चाहिए, जो कि आपके बाइक के लिए काफी अच्छा होता है। अगर 100 सीसी तक की बाइक है तो आपको एक 5,000 के अंदर ही ऑयल चेंज कर देना चाहिए। 4,500-5,000 किलोमीटर तक अगर आपकी बाइक चल चुकी है तो उसमें वहां पे ऑयल चेंज कर देना चाहिए। ये होता ऐसा है कि ये टिप से एक एक्चुअली बाइक मेंटेन रखने की, तो इसमें ऑयल का तो ज्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन बाइक जब मेंटेनेंस में जाती है विदाउट ऑयल आप चलाते हो उसे, ज्यादा उसके ऊपर खर्चा नहीं करते ऑयल के ऊपर, तो फिर ये आपको काफी बड़ी दिक्कतें दे सकती है। होंडा यूनिकॉर्न 150 काफी मशहूर बाइक है, इंडियन मार्केट में काफी लोगों के दिमाग में इसका जो ब्रांड है वो बैठ चुका है और काफी बड़ी सेलिंग कंपनी है ये, तो ये मशहूर बाइक है और इसकी रीसेल प्राइस भी काफी अच्छी है। अगर आप ये बाइक बेचना चाहते हो तो आपको ये भी अच्छा बेनिफिट है कि यूज्ड बाइक अगर आप मार्केट में निकालते हो तो उसकी भी एक अच्छी अमाउंट आपको मिल सकती है, ये भी आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है इस बाइक का। इसमें एक कमी है, मैं कहूंगा हेडलैम्प। अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो तो इसका जो हेडलैम्प है वो कहीं ना कहीं डिम है, ज्यादा डिम नहीं है, लेकिन हाँ अगर सामने से कोई बड़ा ट्रक आ रहा है उसकी जो हेडलैम्प है वो अगर आपकी आंखों पे आती है तो आपको सामने ये ज्यादा क्लियर नहीं दिखाती है, तो ऐसा होता है कि वहां पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आने के चांसेस है, तो इसका हेडलैम्प इसका कहीं ना कहीं मैं कहूंगा डिसएडवांटेज है। मार्केट में इसके टक्कर में सिर्फ एक ही बाइक है, वैसे बहुत सारी बाइक्स है, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से और बाकी कंपेयर करें बाकी सारी चीजें तो इसके टक्कर में एक ही बाइक है, वो है पल्सर 150। इन दोनों में एक अच्छी कंपटीशन चल रही है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से बाइक परचेस कर रहा है, तो ये दोनों बाइकें अपने अपने फंक्शंस के लिए जानी जाती है। तो ये तो था आज का वीडियो होंडा सिवी यूनिकॉर्न 150 से रिगार्डिंग। इसके कुछ ओनर्स, 4-5 ओनर्स से मैंने बात की तो ये पॉइंट्स निकल के आए। इसके नेगेटिव पॉइंट्स काफी कम है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव पॉइंट्स है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था पल्सर 150 के लिए, तो उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं अगर आप पल्सर 150 की प्लानिंग कर रहे हो तो। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और बाकी जो वीडियोज मैंने पोस्ट की है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद
तकरीबन रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक के लिए सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह पे मिल जाए तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पे मैं मेंटेनेंस रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और बाकी सारी चीजें डालते रहता हूँ। आपके पास अगर कोई भी बाइक है तो उसके प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एवेंजर सीरीज की कोई भी बाइक है तो भी ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि उस बाइक के भी मैं प्रॉन्स कॉन्स फायदे नुकसान एडवांटेज डिसएडवांटेज और बाकी सारी चीजें मेंटेनेंस रिलेटेड टिप्स और भी बहुत कुछ इस चैनल पे डालते रहता हूँ। इसके बाद मोटो व्लॉग्स भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।